इसराइल के साथ ईरान और लेबनान कर रहे हैं भीषण जंग। इस बीच भारत ने ईरान भेज दिए 3-3 घातक युद्धपोत। मिसाइलों से लदे जहाजों की जंग के बीच एंट्री से दहली दुनिया। क्या इसराइल की मदद के लिए भारत उठा चुका भयंकर कदम? दोस्तों, पूरी दुनिया का ध्यान जहां रूस यूक्रेन जंग में लगा हुआ था, पूरी दुनिया इस जंग को रोकने में लगी थी, लेकिन इसी बीच अचानक आतंकी संगठन हमास इसराइल में घुसकर एक ऐसी वारदात को अंजाम दे देता है जिसने मानवता का गला घोंट दिया। इस वारदात के बाद इसराइल का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उसने हमास के गढ़ गाजा में घुसकर उसे ताबड़तोड़ रौंदना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद से लगातार ये जंग बढ़ती ही जा रही है। हमास की कमर पहले ही टूट चुकी है, उसके बाद इसराइल ने हिजबुल्ला और हूती का भी इंतजाम कर दिया है, जबकि अब वो सीधे सीधे इन सारे संगठनों के हाईकमान ईरान को निशाना बना लिया है। वहीं हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला का मौत के बाद से ईरान बिलबिलाया जा रहा है और उसने इसराइल पर सैकड़ों मिसाइल दाग दी हैं। लेकिन इसराइल के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ने इन सारी मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर दिया है। लेकिन इतना तो फिक्स है कि इस हमले के बाद इसराइल कुछ ऐसा जवाब देने वाला है जिसकी आहट से ही मिडिल ईस्ट में सन्नाटा छा गया है। लेकिन दोस्त, इसराइल के साथ जंग कर रहे ईरान में अचानक भारत ने अपने हथियारों से लैस घातक जंगों पोतों को भेजकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। तो आखिर भारत का क्या है इन जंगी पोतों को भेजने का मकसद? दोस्त, इसराइल के लिए पीएम मोदी का क्या है तगड़ा प्लान? इस बारे में तथ्यों का पूरा पोस्टमार्टम हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो आखिर तक बने रहिए हमारे साथ। हिजबुल्ला चीफ नसरल्ला की मौत से उबल पड़ा ईरान। इसराइल पर दनादन दाग दी 200 बेहद घातक मिसाइलें। जंग के मुहाने पर खड़े ईरान में भारत के जंगी पोतों की एंट्री से पूरी दुनिया कई वजहों से चौंक पड़ी है। इसके पीछे एक वजह यह भी है कि अमेरिका ने ईरान पर तमाम बैन लगा रखे हैं, जबकि भारत अमेरिका के काफी करीब माना जाता है। वहीं ईरान इस वक्त उस इसराइल से जंग कर रहा है जो भारत का बेहद खास दोस्त है। माना जाता है कि भारत के लिए इसराइल कई मायनों में रूस से भी खास है। इसी वजह से भारत के कदम को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सारे सवालों के जवाब हम आपको वीडियो में आगे देंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हिजबुल्ला चीफ की मौत से बौखलाए ईरान ने कैसे इसराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। दरअसल इसराइल ने जब खदेड़ खदेड़ कर और पाताल से भी निकाल निकाल के हमास और हिजबुल्ला के आतंकियों को मारना शुरू किया, तो ईरान के कलेजे में आग लग गई। इसकी वजह ये है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खुमैनी ने हमास, हिजबुल्ला और हूती जैसे आतंकी संगठनों को इसराइल के खिलाफ ही खड़ा किया है। इन सारे संगठनों का केवल एक ही मकसद है, वो है इसराइल की तबाही। लेकिन अगर सच पूछा जाए तो ये संगठन और इनके नेता इसराइल के खिलाफ लोगों में नफरत पैदा करके आतंक का बिजनेस चलाते हैं। जिस नसरल्ला को इसराइल ने जमीन के 60 फीट के अंदर ही दफन किया है, वो बेहद गरीब परिवार में जन्मा था। दो वक्त के लिए खाने का भी इंतजाम उसके पिता के पास नहीं था, लेकिन कौम को मजबूती देने के नाम पर जब उसने आतंक का बिजनेस स्टार्ट किया तो मरते वक्त उसके पास 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति थी। खैर, ईरान के बनाए ये सारे संगठन अपने देश के लोगों को ये विश्वास दिला रहे थे कि ईरान के सपोर्ट से वो इसराइल को कुचलकर रख देंगे, और अगर इसराइल ने हमारे खिलाफ कुछ भी किया तो भी ईरान हमारे लिए अपनी जान लगा देगा। इसी वजह से लोग हिजबुल्ला, हमास और हूती जैसे संगठनों के झांसे में भी आ गए। लेकिन जब इसराइल ने एक एक करके ईरान के तीनों संगठनों की कमर तोड़ दी और पहले हमास चीफ और बाद में हिजबुल्ला चीफ को सुरक्षा के सबसे मजबूत इंतजाम के बीच भी मौत की नींद सुला दिया, तो ईरान और ईरान के सुप्रीम लीडर खुमैनी के उन तमाम दावों की पोल खुलने लगी जिसमें वो इसराइल तो क्या अमेरिका को भी मसल डालने का दावा करता है, और अपनी इज्जत बचाने के लिए ही उसने इसराइल पर 200 हाई स्पीड बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी हैं। ईरान का दावा है कि ये मिसाइलें हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं और इनकी स्पीड 16,000 किलोमीटर प्रति घंटे है। उसने हमलों के लिए अपनी फतेह 2 मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, लेकिन इसराइल के ताकतवर डिफेंस सिस्टम ने उसकी सारी मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर दिया है, जबकि ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइलों के दावों पर भी कोई यकीन नहीं कर पा रहा है। अभी तक केवल रूस, चीन ही इस मामले में कामयाब हो सके हैं, जबकि अमेरिका इस तकनीक वाली मिसाइल का अभी तक ट्रायल ही कर रहा है। ईरान के इस हमले के बाद
तगड़े बवाल का 100% चांस है, क्योंकि इसराइल अपने दुश्मन को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ता है। लेकिन इसी बीच भारत की जंगी पोतों के साथ ईरान में हुई एंट्री चौंकाने वाली है। ईरान पहुंचे भारत के जंगी पोत INS तीर, शार्दुल और वीरा। ईरानी नौसेना के साथ मिलकर मचाएंगे समंदर में भयंकर गदर। भारत के जंगी युद्धपोत INS तीर, INS शार्दुल और INS वीरा ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह पहुंचे हैं। ये जंगी पोत भारतीय नौसेना के बेहद घातक जंगी पोत माने जाते हैं, लेकिन ये ऐसे वक्त में ईरान पहुंचे हैं जब ईरान जंग के मुहाने पर खड़ा है। हालांकि भारत के ये पोत ईरान में संयुक्त जंगी अभ्यास के लिए पहुंचे हैं। भारत ईरान से अपनी दोस्ती इस वजह से बढ़ा रहा है क्योंकि ईरान भारत के लिए एक ऐसा दरवाजा खोल रहा है जो उसे पूरी दुनिया से कनेक्ट करता है। जबकि भारत और ईरान के बीच पहले काफी मजबूत ऊर्जा संबंध रहे हैं। हालांकि अमेरिका के बैन लगाने के बाद भारत ने ईरान से तमाम आयात बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी भारत ने पाकिस्तान के ग्वादर के जवाब में ईरान में चाबहार के लिए अमेरिका से छूट ले ली थी। वहीं ईरान भारत के लिए इस वजह से भी खास है क्योंकि वो पाकिस्तान का पड़ोसी है। ऐसे में अगर वो ईरान से मजबूत रिश्ता नहीं रखेगा तो पाकिस्तान ईरान के साथ गठजोड़ रख के भारत के खिलाफ साजिश कर सकता है। ईरान के रूस के साथ भी मजबूत रिश्ते हैं और अब वो ब्रिक्स का भी सदस्य बन चुका है, जिसका भारत विरोध कर रहा था। लेकिन बाद में ईरान के राष्ट्रपति ने सीधे PM मोदी से मिलकर इस बारे में बात की थी, तब भारत ने सपोर्ट कर दिया था। रही बात इसराइल की, तो PM मोदी ने हमास के हमले के तुरंत बाद इजरायली PM और अपने दोस्त नेतन्याहू को फोन करके आतंक खिलाफ लड़ाई में साथ देने का वादा किया था, जबकि भारत ने हमास के साथ जंग में इसराइल की सीक्रेटली मदद भी की है, तमाम घातक हथियारों और गोला बारूद की ताबड़तोड़ सप्लाई की है। वहीं हिजबुल्ला चीफ की मौत के बाद भी PM मोदी ने नेतन्याहू को फोन करके फिर से आतंक की लड़ाई में मजबूती से साथ खड़े रहने का वादा दोहराया है। भारत फिलहाल खुलकर किसी के साथ नहीं दिख रहा है, लेकिन भारत आतंक को सख्त खिलाफ है और ईरान के साथ वो जो भी कदम बढ़ा रहा है उसके पीछे व्यापारिक और आर्थिक उड़ान है, जबकि इसके पीछे डिप्लोमेटिक बैलेंस भी है, जिससे कि पाकिस्तान को तबाह करने में कोई दिक्कत ना हो और मजहब के नाम पर ये दो मुल्क करीब ना आने पाए। भारत ने अफगानिस्तान को भी अपने खेमे में ले रखा है। आज तालिबान भी भारत के गाने गा रहा है, जबकि भारत से मदद की भीख भी मांग रहा है। भारत इस वक्त पूरी दुनिया में जबरदस्त बैलेंस्ड रणनीति पर काम कर रहा है, जिससे किसी भी तनाव की वजह से उसकी इकोनॉमी को कोई खतरा पैदा न हो और भारत तय वक्त पर जापान और जर्मनी की इकोनॉमी को ओवरटेक करके उनसे आगे निकल जाए। PM मोदी ने इन्हीं 5 सालों में भारत की इकोनॉमी को दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत बनाने का फैसला लिया है। तो दोस्तों, भारत की नीतियों पर आपका क्या कहना है कमेंट में बताना न भूलें।